पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की वजह से भारत और चीन के रिश्तों में जो तल्खी आई थी उसके नरम पड़ने के आसार दिख रहे हैं, यानी मामला अब शांत हो सकता है। मंगलवार को दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भावी एजेंडे पर एक अहम बैठक हुई। मई 2020 में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर होने वाली तमाम बैठकों को रद्द कर दिया गया था, पर अब इस बैठक से दोनों देशों के बीच हालात सामान्य होने के संकेत मिल रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि भारत चीन के कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के 70वें वर्ष पर जो बैठकें होने वाली थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया। जून 2020 के बाद से दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों और सैन्य स्तर पर सिर्फ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठकें हुई हैं। ऐसे में यूएनएससी पर बैठक और उसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों का शामिल होना कुछ बदलाव का संकेत दे रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि यूएनएससी एजेंडे पर वर्चुअल बैठक हुई है। चीन की ओर से उसके विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कॉन्फ्रेंस विभाग के डायरेक्टर जनरल यांग ताओ ने इसकी अगुवाई की, जबकि भारत पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता ने किया। बैठक में पूर्व एशिया के अधिकारी, बीजिंग में भारतीय दूतावास के अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। दोनों पक्षों के बीच काफी व्यापक एजेंडे पर बातचीत हुई है। भारतीय पक्ष यूएनएससी में अपने कार्यकाल के दौरान जिन मुद्दों को उठाएगा उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। दोनों पक्षों के बीच आगे भी इस तरह की बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। 1 जनवरी 2021 से भारत 2 सालों के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। इस तरह की बैठक भारत यूएनएससी के दूसरे स्थायी देशों और अस्थायी देशों के साथ भी करेगा। आपको बता दें कि भीषण सर्दी के बावजूद भारत और चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख के इलाकों में तैनात किए गए हैं। मई 2020 में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी तल्खी आ गई है। जून 2020 में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को जान भी गंवानी पड़ी थी। इस मामले के निपटारे के लिए कई स्तरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब हुई इस बैठक के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि संबंधों में आई कड़वाहट थोड़ी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।